हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वाल्व सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न। और आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वो ये है कि वेयर वी यूज इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व, ईओवी, जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो कंट्रोल वाल्व है उनका हम यूज कहाँ करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि कितने टाइप के ऑपरेट होते हैं वाल्व, कितनी एनर्जी है किसी वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा या तो मैकेनिकल एनर्जी लगा के किसी वाल्व को ऑपरेट कर दो, या मैन्युअली मतलब व्यक्ति ही जाएगा हाथ से वाल्व को खोल देगा बंद कर देगा। तो एक तो ये है, तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी दोस्तों, न्यूमेटिक एनर्जी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एयर के प्रेशर से हम किसी वाल्व को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में जो बता दिया था कि वेयर वी यूज न्यूमेटिक एनर्जी, वो उसमें आप ये अच्छे से समझ गए कि कहाँ पे ये यूज करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड वाल्व का यूज कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर इस वाल्व की मैकेनिज्म देखो तो उसमें ये नहीं है, उसमें डायफ्राम वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ पे बस एक मोटर रहेगा जो डायरेक्ट स्टेम से कनेक्ट रहेगा, स्टेम जो है हमारा वॉल से यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। और मोटर की दोस्तों ये खास बात होती है कि वो जो है, जैसे हम वाल को खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज वाल को खोलते हैं, और अगर बंद करना होता है तो वो क्लॉकवाइज बंद होता है। कहीं भी आप जाओ तो वॉल की ऑपरेशन ये ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, क्लॉकवाइज बंद होगा। तो दोस्तों इस मोटर में मोटर को ऐसे बनाया गया है, इतनी अच्छी डिजाइनिंग उसकी होती है कि वो जो है दोनों तरफ मूव कर सके। चाहे अगर आपको बंद करना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के, मतलब सॉरी, जैसे आपको बंद करना है तो बंद होगा क्लॉकवाइज, तो वो अपने आप क्लॉकवाइज की तरफ मुड़ जाएगा, और अगर उसे खोलना है, वाल को खोलना है, तो वो अपने आप ही वो एंटी क्लॉकवाइज खुल जाएगा। मतलब दोनों उसमें मैकेनिज्म बहुत अच्छी होती है उस मोटर की, मोटर जो है दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है और उसकी वजह से कंट्रोल वाल्व को खोल या बंद कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये रेगुलेट नहीं करेगा किसी भी जो लाइन का फ्लो है उसको रेगुलेट नहीं कर सकता, यानी कि आप चाहो कि ये 50% खुल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो हमेशा या तो फुली ओपन होगा या फुली क्लोज होगा, बस दो ही है। मैंने जितने भी देखे हैं आज तक उसमें मैंने बस फुली ओपन या फुली क्लोज देखे हैं, जैसे एक्सीवी होती है दोस्तों वैसे ही देखे हैं। उसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि वो रेगुलेट भी करें। जो हम बड़े जो वाल्व की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो जितने भी बड़े वाल्व होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो कंट्रोल वाल्व हैं वो कहाँ पे, जो मोटर जिनके ऊपर लगी रहती है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजली ऑपरेट एट 500 बार। ये जो दोस्तों ऐसे कंट्रोल वाल्व हैं जहाँ पे हमें 500 बार का प्रेशर लाइन का है और वहाँ पे हमें कंट्रोलिंग करनी है, लाइन में फ्लो कंट्रोल करो या लेवल कंट्रोल करो या प्रेशर कंट्रोल करो कुछ भी, तो वहाँ पे हम जो है मोटर ऑपरेटेड का वाल्व का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों अगर मैंने उसमें बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट एयर है तो वो 5 से 30 बार के जो प्रेशर लाइन की है तो वहाँ पे वो इजीली हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी तो उतना ज़्यादा बड़ा डायफ्राम लगाना पड़ेगा, और जितना बड़ा डायफ्राम लगाना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा जो डायफ्राम है एनर्जी मतलब एरिया घेरेगा, ज़्यादा बड़ा डायफ्राम लगाओगे तो। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंट्रोल वाल लेते हैं और उस पर मोटर लगा देते हैं। मोटर कितना बड़ा होगा, कम ही एरिया घेरेगा, तो डायरेक्ट हम मोटर से ही उस वाल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होगा दोस्तों, जहाँ पे हमें 500 बार का प्रेशर लाइन का हो वहाँ पे यूज करेंगे, 500 बार के प्रेशर के लिक्विड को ऑन ऑफ करने के लिए। उसको या तो फुली ओपन रखो वहाँ पे या फुली क्लोज रखो। और इट इज़ अ ओपन सिस्टम दोस्तों, ये भी एक ओपन सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि एक बार आप जानते हो कि किसी भी चीज मोटर जो है इलेक्ट्रिक खपत करती है, जितना वो चलेगी उतनी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी खपत करेगी, क्योंकि वो रिसाइकल तो हो नहीं रही है। जैसे हम इसकी बात करें हाइड्रोलिक
एनर्जी हाइड्रोलिक वाल्व की, तो इसमें हाइड्रोलिक ऑयल जाता है, फिर वो रिसाइकल होता रहता है, फिर वो वाल्व को खोलेगा बंद करेगा, फिर रीयूज होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पावर एक बार यूज हो गई तो उसे मतलब एक बार पावर यूज हो गई तो उसे रीयूज नहीं कर सकती हो, इसलिए इसे हम ओपन सिस्टम में रखते हैं। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव ये भी है, जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर के कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना, उसकी जो कास्ट वगैरह है वो टफ है, मतलब मोर एक्सपेंसिव है, तो इसी तरह ये भी मोर एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों इसकी जो कंट्रोलिंग है दोस्तों वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ इसकी कंट्रोलिंग है, किसके अपेक्षा इंस्ट्रूमेंट एयर की। लेकिन सबसे स्मूथ कंट्रोलिंग हमारे हाइड्रोलिक जो वाल्व होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर से जो ऑपरेट होते हैं उनकी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कहाँ यूज होते हैं, इट इज यूज नॉन फ्लेमेबल लिक्विड या फूड आइटम्स इंडस्ट्री नॉट। कहने का मतलब ये है कि ये जो है जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड नहीं है, जहाँ पे आग पकड़ने का चांस नहीं है, उस लिक्विड को हैंडल करने के लिए ये कंट्रोल वाल्व यूज किए जाते हैं। जैसे हम बताएं आपको यूरिया, दोस्तों यूरिया सोल्यूशन जो है, अगर यूरिया के सोल्यूशन को अगर ट्रांसफर करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पे आप मोटर ऑपरेटेड वाल्व को यूज करोगे, MHV मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यूरिया जो है, यूरिया आग नहीं पकड़ सकती, किसी भी हद तक वो आग नहीं पकड़ सकती। तो यूरिया के जो सोल्यूशन है, जहाँ भी मैंने यूरिया के रिएक्टर में भी देखा है, जो यूरिया का जो रिएक्टर है उसका, उसके लाइन का प्रेशर अप्रोक्स 150 kg है, तो 150 kg के लाइन के प्रेशर में जो फ्लूड है तो उसको ऑपरेट करने के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट एयर आप लगाओ, इंस्ट्रूमेंट एयर का कंट्रोल वाला लगाओ, तो बहुत बड़ा उसका डायफ्राम लगाना पड़ेगा, क्योंकि और वो ज़्यादा एरिया भी घेरेगा। और डायफ्राम का क्या है रोल और इंस्ट्रूमेंट एयर का, वो मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि एक इंस्ट्रूमेंट एयर की जो 7 kg जो इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर है, वो कैसे 90 kg के लाइन के जो लाइन के कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करती है, वो मैं पहले वीडियो में बता रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि ये हमेशा नॉन फ्लेमेबल लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, और जहाँ भी फूड आइटम्स हैं, जितने भी फूड आइटम्स की इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे इस वाल्व का यूज नहीं कर सकते, सॉरी कर सकते हैं, सॉरी, जहाँ पे फूड आइटम्स वगैरह हैं उस इंडस्ट्री में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ करता है ये, वहां पे ये अलाउ नहीं करता। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक और एनर्जी से चलने वाले कंट्रोल वाल्व नहीं यूज किए जा सकते हैं कहाँ पे, फूड इंडस्ट्री में। क्यों दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोलिक जो है, हाइड्रोलिक ऑयल्स से कंट्रोल वाल्व ऑपरेट कर रहे हो, अगर लीकेज हुआ या किसी भी माइनर लीकेज से अगर फूड में चला गया, जो जितने भी फूड स्लरी है उसमें अगर चला जाए तो टॉक्सिक फूड जो है टॉक्सिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वाली तो वहाँ पे फूड इंडस्ट्री में भी यूज होती है, और मैंने बताया कि यूरिया प्लांट के मैक्सिमम जो है जो कंट्रोल वाल हैं वो हमारा मोटर ऑपरेटेड हैं। और एक जगह और ये यूज होता है दोस्तों, जहाँ पे 800 गैलन पर मिनट का जो फ्लो होता है ना, 800 गैलन पर मिनट, 1 GPM में हमारा 3.7 लीटर पर मिनट का फ्लो होता है। तो जहाँ पे 800 मैक्सिमम हमारा जो कंट्रोल वाल्व का जो फ्लो है, अगर हम उसका जैसे कंट्रोल वाल्व को फुली ओपन रखें तो 800 गैलन पर मिनट के फ्लो से वो जाएगा। जैसे दोस्तों ये कोई लाइन है, ये लाइन है, लाइन का जो फ्लो है, यहाँ पे हम कंट्रोल वाल्व लगा दें, जैसे हम कंट्रोल वाल्व को खोले तो ये जो है जो 800 गैलन पर मिनट के 800 गैलन पर मिनट का फ्लो देगा, यानी खुलते ही इतने रेंज में हमारा लिक्विड बाहर जाएगा। तो उस जगह पे हम जो है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो कंट्रोल वाले हैं उनका यूज करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो छोटे छोटे मोटे डैम हैं, तो जो डैम होते हैं तो उनके जो वाल होते हैं बहुत, वहाँ पे जो प्रेशर होता है हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत मैक्सिमम होता है, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वाल को ऑपरेट करने के लिए जो हम कंट्रोल वाल लगाते हैं वो इसी का लगाते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ही लगाते हैं। वहाँ पे ढेर बहुत बड़े बड़े मोटर्स रहते हैं, और मोटर मोटर जो है वाल से कनेक्ट रहते हैं, और वही मोटर से ही मोटर ही स्टार्ट करके हम वाल को खोलते या बंद कर सकते हैं,
क्योंकि वहाँ पे बहुत जो पानी है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन वहाँ भी लिमिट है दोस्तों, छोटे डैम के लिए ये अलाउ है, बड़े डैम के लिए अलाउ ये नहीं है, क्योंकि बड़े डैम का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये मोटर फूक जाएगी, मोटर में इतना लोड ही नहीं है, उतना बड़ा मोटर कहाँ से लाओगे। तो वहाँ पे हमारा ये हाइड्रोलिक एनर्जी वाला यूज कर सकते हैं। तो आपको अब तक मैंने मैनुअली या न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल तीनों बता दिया कि कहाँ पे ये कंट्रोल वाल्व यूज किए जा सकते हैं, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।